वेलकम टू टुडे सेशन जिसमें हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 60 मिनट्स। जी हाँ, मात्र एक घंटे में। मतलब सोचो यार, एक घंटे में तो जिसके मैसेज का तुम इंतजार करते हो ना, उसका रिप्लाई तक नहीं आता घंटों तक, है ना? पता है मुझे, लेकिन शिल्पी मैम 60 मिनट्स की वैल्यू अच्छे से जानती है एंड हम अपना पूरा इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर रिवाइज करेंगे। एंड यू नो व्हाट, इस चैप्टर से ज्यादा घुमा फिर आगे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर न्यूमेरिकल भी पूछता है तो बहुत सीधा होता है, तो पूरा सेशन लगाना है, ठीक है? आज की क्लास में मेरे साथ मैं हूँ शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर ऑन वेदांत। ठीक है, तो चलिए सो बात करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, द रीजन बीइंग हम बहुत सारी सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, राइट? एग्जाम्स आर ऑल्सो कमिंग नाउ, सो वी वॉन्ट कि पूरा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, ठीक है? सो कम टाइम के अंदर वी आर डूइंग द क्वालिटी वर्क, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, ये वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की, जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं, ठीक है? क्या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। अब वो कराने के लिए हमें कुछ सोर्स भी चाहिए और वो सोर्स होता है सेल, है ना? तो सेल आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। बेसिकली दो सेल हैं जो हमें पढ़ने होते हैं यहाँ पर, एक गैल्वेनिक सेल है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जो चैप्टर में मेन चीज होती है, ठीक है? अब एक चीज देखो, क्योंकि पूरे चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शंस ही देखने वाले हो आप, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, गेन लूज, है ना, व्हाटएवर, दैट वुड बी द रिडॉक्स रिएक्शन। तो छोटी सी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की चैप्टर के लिए ध्यान रखना जो बता रही हूँ। जब भी किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट देखते हो, जैसे मान लो जीरो था, जीरो से प्लस टू में चला गया, है ना, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज देखोगे वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, पता है ना? रिवाइज कर लो फिर भी, क्योंकि ये जरूरी है पहचानना। जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखोगे तो समझ आना चाहिए रिडक्शन का है कि ऑक्सीडेशन है, रीड करना इंपॉर्टेंट है ना? तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई में, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा नंबर ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर मान लो जैसे ये लेट्स से जीरो था, जीरो से माइनस टू में चला गया, है ना, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीमेंट देखते हो वो होगा आपका रिडक्शन, ठीक है? जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट देखोगे वो आपका रिडक्शन होगा। तो इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, सो ये दो तरीके के मैम ने सेल्स बताए आपको, गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल, इसका एक कॉमन एग्जाम्पल होता है डैनियल सेल, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक। तो पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल क्या करता है भाई, गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके फोन का डिस्चार्जिंग प्रोसेस, इस वक्त आप फोन चला रहे हो वो इसकी तरह बिहेव कर रहा है, उसमें जो भी स्टोर केमिकल एनर्जी है वो कंज्यूम करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्रोड्यूस आउट कर रहा है, राइट? ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो डेल्टा जी नॉट इनका नेगेटिव होता है, ठीक है? डेल्टा जी नॉट इनका नेगेटिव होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है? जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप देखोगे बाहर से हमें एक्सटर्नल बैटरी को यूज करना पड़ता है, एक्सटर्नल वोल्टेज का सोर्स हमने लगाया है, यहाँ पे हम कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। जैसे जब आप अपना फोन चार्ज करते हो उस वक्त, है ना, सॉकेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके आपका फोन केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, राइट? ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, तो यहाँ पे जो डेल्टा जी नॉट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। एक बात है भाई, हैंड राइटिंग ठीक से लिखते हैं, नीचे की साइड थोड़ा ना मैम से लिखने में इशू आ जाता है, तो यस एनीवे, ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो ये छोटी सी चीज है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं इनको, ठीक है? चलिए भाई, अब ये चीज, ये आपका जो एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपके गैल्वेनिक सेल का डैनियल सेल है, है ना? इसमें हम क्या करते हैं देखो, हमने लिया दो टैंक्स, ठीक है, एक यहाँ पे टैंक लिया, एक यहाँ पे लिया, एक्सटर्नली कनेक्टेड है यहाँ, है ना, वोल्ट मीटर लगाया है, हमें स्विच लगाया है, यहाँ भी हम स्विच भी लगाते हैं, और इंटरनली कनेक्टेड है हमारी सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है? ये जो टैंक है, इस टैंक में हम लेते हैं 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ओके? और यहाँ पे ये जो रॉड है ना, ये जिंक की ही है, ये जिंक की ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसके अंदर जो रॉड डिप करोगे वो कॉपर की ही होगी, वो कॉपर की ही होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो ये एरो दिखाया ना यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, राइट? तो अब होता क्या है, कनेक्ट कर लिया सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो तामझाम होता है वो होता है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, है ना? इनर्ट है, घबराइए ना, ये नॉन रिएक्टिव है, तो आपके जो प्रोसेस है उसपे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है ये, ठीक है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इसको मिक्स कर सकते हो आप जिलेटिन के साथ, ठीक है,
मिक्स्ड विद जेलेटिन या कोई पॉलीसैकेराइड का पेस्ट बना सकते हो, जैसे अगर अगर किताबों में लिखा होता है, तो इनोड इलेक्ट्रोलाइट जिलेटिन के साथ मिक्स कर सकते हो, जैसे कि आप पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, ठीक है एक्सेट्रा, राइट। बस ये ध्यान रखना होता है, जो भी हमारा इनोड इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसमें जो कैटायन की मोबिलिटी होती है वही एनायन की होनी चाहिए, मतलब आयनिक मोबिलिटी, जो आपके कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी होती है ना, वो बराबर होनी चाहिए। जिस वेलोसिटी से वो भाग रहे हैं वो सेम होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा, ये सेटअप करेंगे पूरा तब समझाते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है वो आगे लिखे हुए हैं, राइट। तो ये देखो हमने सॉल्ट ब्रिज ले लिया है, ये सब उसके अंदर एक जेली टाइप पेस्ट इसके अंदर फिल्ड है, राइट। तो जैसे ही आपका सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जिंक पे है ना, ये जो जिंक है ना, ये ऑक्सीडाइज होके Zn2+ में कन्वर्ट होती है। जिंक रॉड पे से क्या होता है, ये जिंक ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, है ना, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है इस साइड, और यहाँ पे जो भी आपका जिंक के एटम्स है सॉलिड स्टेट से, वो ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जिंक आयन में कन्वर्ट, ठीक है। जो जिंक आयन होता है वो आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जिंक आयन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से फ्लो करते हैं इस डायरेक्शन में, है ना। आपको पता है ये ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन जहां होता है वो इलेक्ट्रॉन एनोड होता है, तो ये आपका तामझाम एनोड पे हो रहा है, ये एनोड है, एनोड पे साइन कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। इधर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर जो है सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। सो एक्वस लिख सकते हो जहां पे भी आपके आयन्स है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन आपको पता है कहाँ होता है, किस इलेक्ट्रॉन पे होता है भाई, कैथोड पर होता है, तो ये तामझाम कहाँ हो रहा है, कैथोड पे, तो आपका कैथोड यहाँ पॉजिटिव है भाई, डैनियल सेल में एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है, ठीक है। देख लो यहाँ पर, ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन है ना, और ये क्या हुआ है, रिडक्शन। नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ से, लिखो दोनों को ऐड कर दो। देखो नेट सेल रिएक्शन लिखने से पहले ये ध्यान में रखना होता है, जितने इलेक्ट्रॉन आपके एनोड पे से जा रहे हैं, जितने लूज आउट हुए हैं ना ऑक्सीडेशन में, उतने ही आपके कैथोड पे गेन होने चाहिए, राइट। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो डैनियल सेल में कहां से कहां है, एनोड से कैथोड है, और करंट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, तो करंट फ्लो करेगा कैथोड से, सारी बातें ध्यान में रखना, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन लिख लो यहाँ पे क्या बनेगी, इधर लिखते हैं साइड में, नेट सेल रिएक्शन बनेगा हमारा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन्स, आयन्स जो होंगे एक्वस यूज कर देना, है ना, जिंक ऑक्सीडाइज हो चुका है Zn2+ में, और कॉपर आयन्स ने गेन करके कॉपर सॉलिड, ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है। नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए जाते, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है भाई, सही बात है। ये आपका डैनियल सेल था, अब इसका जो आपका इनोड होता है ना, वो 1.1 वोल्ट के बराबर होता है डैनियल सेल का, ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के यूजर्स क्या थे, देखो सॉल्ट ब्रिज ने एक तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट किया है ना, दूसरी चीज ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखता है आपके सोल्यूशन के अंदर, और न्यूट्रलिटी से ही नेक्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ है, ये अवॉइड करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मतलब क्या इसका, देखो मतलब ये है, इस पर इसको यूज कर लेता है, ये ज्यादा भर चुका है ना, या मतलब देखो इसका, जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, जैसे ही आप देखोगे जिंक ऑक्सीडाइज होता है, तो ये जो जिंक आयन्स है हमारे इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं, तो इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में ना जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, सल्फेट से ज्यादा है ना, सल्फेट से ज्यादा हो गया एक्चुअली। इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर के अंदर, तो यहाँ पे जो कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है भाई, वो कम हो जाती है सल्फेट से, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे आपकी जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई, तो इस न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने से क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो आपके मेन सेल पोटेंशियल को इम्पैक्ट कर देता है ना। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, टाइम टू टाइम इन आयन्स को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे मान लो सॉल्ट ब्रिज पे आपने अमोनियम नाइट्रेट लिया है ना, अमोनियम नाइट्रेट लिया, तो ये क्या करेगा, देखेगा भाई यहाँ पे तो जिंक आयन्स बढ़ गए, तो नाइट्रेट को बोलेगा जा तू न्यूट्रलाइजेशन कर,
ठीक है, इधर देखेगा यार इधर एनायन बढ़ गया तो इधर अपने पॉजिटिव आयन को भेज देगा, ऐसे करके न्यूट्रलिटी बनाता है जिससे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी अवॉइड हो जाता है ना। तो ये सारे यूजेस है, ध्यान में रखना। ठीक है भाई, चलिए तो ये वाली बातें सारी नोट कर ली है आपने। हाँ एक पॉइंट रह गया, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हो इलेक्ट्रो इसमें, है ना, इनोट इलेक्ट्रोलाइट की तरह, बट पोटेशियम क्लोराइड कुछ मेटल रॉड्स के साथ नहीं यूज हो सकता जहां पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है ना। जैसे कि अगर आप देखो सिल्वर, टैलियम, लेड, मर्क्यूरी, इनके साथ पोटेशियम क्लोराइड नहीं लिया जा सकता इसमें सॉल्ट ब्रिज के अंदर। क्यों नहीं लिया जा सकता भाई? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बना देता है, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया, सेल रिएक्शन लिख लोगे ना भाई। सेल रिएक्शन में एनोड का ऑक्सीडेशन दिखाना होता है, कैथोड का रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज को बैलेंस करके जोड़ के लिख दो। नेट सेल रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखिए। चलिए आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं गैल्वेनिक सेल का, इसी के लिए कर लेते हैं डैनियल सेल के लिए। बीच में आती है आपकी कौन, सॉल्ट ब्रिज। शुरुआत कहां से करेंगे? सॉल्ट ब्रिज से करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ब्लैक कलर ले लेते हैं, बीच में बना देना सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एनोड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड एक हाफ सेल आता है ना। एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां हो रहा था जिंक कन्वर्ट हो रहा था, है ना। आपने देखा था जो आपका जिंक सॉलिड था, ये फेज ऑफ सेपरेशन के लिए सिंगल वर्टिकल लाइनिंग होती है। ठीक है, जिंक आयन कन्वर्ट हुआ था, जिंक एटम सॉरी, है ना, जिंक आयन्स के आयोन जो होते हैं ना एक्वस वाले, वो सॉल्ट ब्रिज के बगल में ही आते हैं हमेशा, कॉर्नर में सॉलिड जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन हुआ था इधर कैथोड पे, कैथोड इधर आएगा राइट हैंड साइड, कॉपर आयोन्स ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बनाया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें पहले हमने लिखा एनोडिक हाफ सेल, है ना, ये एनोड जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था पहले हम वो दिखाते हैं। बीच में आती है आपकी सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, और उधर राइट हैंड साइड के अंदर भाई आता है आपका कैथोड। ठीक है, ये कैथोडिक हाफ सेल यहाँ आता है राइट, जो कि आपका हो रहा है रिडक्शन कैथोड। कर लोगे भाई रिप्रेजेंटेशन? ध्यान रखना कोनों में हमेशा ना, मतलब कभी भी कॉर्नर, लेट्स सी एंड पॉइंट्स पे अगर कोई गैस है, अगर कोई गैस है या पूरा एक्वस एक्वस आ रहा है, तो वहां पे आपको प्लैटिनम जैसे आप ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन। ठीक है, बट आयोन से एंड नहीं करते हम कभी, लाइक एक्वस फॉर्म में। ठीक है, चलिए ये देखो जरा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? आप यही यूज करोगे जो IUPAC ने गाइडलाइंस दी है ना। तो IUPAC बोलता है कि भाई जब भी, पहली बात तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E0 कंडीशन जिसपे डिफाइन होता है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की, अगर जो ये कंडीशन होंगी है ना, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है। अगर कुछ भी बदल गया, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो स्टैंडर्ड नहीं कहलाता, वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है। IUPAC ने हर एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, एंड यस, जब भी आपको निकालना होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है, किसी सेल का, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, IUPAC ने गाइडलाइन दी है कि आप लोगे रिडक्शन पोटेंशियल, आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करोगे, है ना। जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा कैथोड का माइनस कर देंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका भाई, एनोड का। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कैथोड, मतलब कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है। तो वहां पे देखो डैनियल सेल में करंट कहां से फ्लो कर रहा था, कैथोड से एनोड जा रहा, तो हम हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करते हैं। IUPAC ने इसीलिए ये रूल दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना भाई इसको लगा लोगे। हाँ एक और चीज देखो, जो भी आप अगर कभी देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, किसी भी स्पीशीज का, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, उनके साइन रिवर्स कर दो। ठीक है, जो भी आपका, जैसे मान लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैंने बोला ए प्लस से ए, है ना, ए प्लस आपको से आपको ए मिला। ठीक है, ये बड़ा, अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है स्टैंडर्ड, तो रिवर्स बस मैग्नीट्यूड को नेगेटिव कर दो। ठीक है, ऑक्सीडेशन
की तरह लिखा है मैंने ए से ए प्लस। पहले क्या था आपको रिडक्शन का दिया हुआ था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था, रीड तो कर सकते हो ना भाई। रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखो प्लस वन से जीरो में गया तो डिक्रीज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी रिडक्शन। यहाँ पे जीरो से प्लस वन में गया मतलब इंक्रीज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, यानी कि डिक्रीज आया मतलब ऑक्सीडेशन भाई, ऑक्सीडेशन, है ना। तो यही मैं बोल रही हूँ कि कभी किसी स्पीशीज का, जैसे मान लो ई नॉट मैम ने लिखा कॉपर टू प्लस से कॉपर के लिए जो भी वैल्यू होगी, सपोज एक्स होगी, एक्स वोल्ट होगी मान लो हमारे पास, ठीक है। तो इसका अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो माइनस एक्स हो जाएगी, समझ गए ना, माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगी। ये होता है न्यूमेरिकल में बात काम आती है, ठीक है। हर एलिमेंट की एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फिक्स वैल्यू है जो आईयूपीएसी ने हमें दी है, जो हमें याद नहीं करनी होती। ये सवाल करना जरा करो सवाल ताकि करना आ जाए आपको, ठीक है। बोल रहा है ई नॉट सेल निकालो गैल्वेनिक सेल के लिए, ये कंडीशंस दे हुए हैं। तो देखो ई नॉट सेल निकालने के लिए मैम ने आपको बोला है कि भाई आप रिडक्शन पोटेंशियल यूज करोगे कैथोड का, सबट्रैक्ट कर दोगे रिडक्शन पोटेंशियल भाई किसका, एनोड का, है ना। तो पहले कैथोड एनोड पहचान लो, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये कौन हो गया, एनोड हो गया है ना। कैल्शियम से कैल्शियम टू प्लस बना, ऑक्सीडेशन हो गया, एनोड है। यहाँ पे आयरन टू प्लस से जीरो में गया यानी रिडक्शन है, ये अपना कैथोडिक हाफ सेल है उधर राइट साइड, है ना। तो मुझे पता चल गया एनोड तो ये है, कैल्शियम से कैल्शियम टू प्लस, तो मुझे क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया इसका। चलो ये तो सही है, उसने दे दिया किसका, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेरे को दे दिया, ठीक है। ये देखती हूँ ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है किसका, कैथोड का, मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन। तो ठीक है ना, 0.41 वोल्ट है, माइनस 0.41 वोल्ट होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा Fe2+ से, सही बात है। तो मैं इसको यूज करती हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का कितना है, माइनस 0.41 वोल्ट, सबका आंसर आ गया। और इसका कितना दिया है, माइनस 2.87, भाई कर लोगे ना इसको, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2.46 आएगा इसका आंसर, सही है ना, ये गलत तो नहीं है, कर रहे हो, कर पा रहे हो ना सवाल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, एजेंट्स, इनका क्या रिलेशन होता है आपस में, सवाल पूछता है भाई यहाँ से, सवाल पूछता है, ठीक है। देखो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मान लो किसी एलिमेंट का आपको दिया डेटा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, है ना, और कंपेयर कराने बोलिए कुछ भी चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप देखोगे जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल मतलब उसकी टेंडेंसी खुद रिड्यूस होने की उतनी ज्यादा, वही बात लिखी है मैंने, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी क्या करने की भाई, रिडक्शन करने की, मतलब खुद रिडक्शन करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडेशन कराएगा, है ना। जितनी जल्दी अपना रिडक्शन करेगा उतनी जल्दी दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, यानी कि वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी उसकी ओपी, ओपी क्या है जो तुम लिखते हो चैट बॉक्स में, चलो ओपी लिख दो सारे लोग, कॉमेंट सेक्शन में लिख दो सब लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओपी, ये 60 मिनट की सीरीज ओपी, यस। चलिए देखो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा बेटा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उस स्पीशीज की टू अंडरगो रिडक्शन, यानी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू ऑक्सीडेशन कराना दूसरी सब्सटेंस का, ठीक है। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना, इसको डायरेक्टली याद रखो, जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, खत्म, ठीक है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा टेंडेंसी खुद ऑक्सीडाइज होने की, उतनी कम टेंडेंसी होगी उसकी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की, तो मतलब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है भाई, है ना, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कर लोगे ना इस पे सवाल, तो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। ये भी देखो जरा, जो भी आपकी डेल्टा जी नॉट होती है ना वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उसको आप ऐड कर सकते हैं, है ना, सभी क्वेश्चन कर लेंगे, इस पे क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है।
टेंशन मत लेना डीपीपी में, वरना मैंने डाले हैं क्वेश्चन इसके बेसिस पे, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. ये बात देखो बच्चे भूल जाते हैं, फिर नोट करके मैंने पहले ऐड किया बोलो गाइस. डेल्टा जी नॉट एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, है ना, मतलब एडिशन इसका पॉसिबल होता है. बट ईएमएफ जो आपका ई नॉट है ना सेल का, है ना, ईएमएफ इंटेंसिव होता है, ये एडिटिव नहीं होता. जो भी आपका पोटेंशियल है सेल का, है ना, वो नॉन एडिटिव होता है. तो भाई इसको ऐड मत करना. अब वो क्यों बोल रही हो ऐसे सवाल, तो ध्यान देना भाई प्लीज. आपसे पूछा है कि दो रिएक्शंस का आपको इनोट का डेटा दिया है और पूछ रहे थर्ड रिएक्शन के लिए निकालो. तो थर्ड रिएक्शन क्या है, पहले तो ये देख लो, कॉपर 2 प्लस आयन जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होंगे, इसका इनोट आपसे पूछ रहा है. अब ये देखो ये रिएक्शन कैसे आ सकती है फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं. बट अब ईएमएफ की वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते, आपको डेल्टा जी के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना. यानी कि जब डेल्टा जी नॉट मैं थर्ड रिएक्शन का लिखूंगी, वो फर्स्ट वाली रिएक्शन प्लस सेकंड वाली रिएक्शन के सम के बराबर होगा, है ना. और हमें पता है डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट, सही बात है, यस. तो यहाँ पर लिखो, देखो माइनस एन कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, एक ही है इस रिएक्शन में तो, है ना. चलिए सो एफ पूरा ही लिखते हैं पहले, एन एफ ई नॉट थ्री के लिए, राइट. यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, एन एफ ई नॉट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस एन एफ ई नॉट ऑफ सेकंड. एफ की वैल्यू पता है 96500 कूलम होती है, एन आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है. यहाँ पे एफ तो कैंसिल ही हो जाएगा फैराडे, राइट. तो एन जो है थर्ड रिएक्शन के लिए देखो 2 है, माइनस 2 ऑफ ई नॉट ऑफ 3, और फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में एन की वैल्यू तो 1-1 है, माइनस से माइनस साइन भी कैंसिल हो गया है ना. चलिए तो ये क्या बना, ई नॉट ऑफ 1 प्लस ई नॉट ऑफ 2. अब ये कर सकते हो आप यहाँ से सॉल्व, है ना. यहाँ से ई नॉट 3 किसके बराबर आएगा, अगर मैं ले लू ई नॉट 1 0.15, ओके, प्लस 0.5 डिवाइड करिएगा किससे, ये 2 यहाँ से आएगा 2, है ना, माइनस सॉरी कैंसिल हो चुका है. तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 0.325 वोल्ट. सबका आंसर मैच किया है देख लो, है ना. तो अगर इनको जोड़ के कोई ऑप्शन दे रखा हो भाई, वो नहीं होगा आंसर, पॉइंट, है ना, आपको ध्यान रखना है 0.65 नहीं आंसर इसका, ठीक है, कर लो गई से. चलिए आगे चलते हैं, ये वाली बात पे ध्यान दो, नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे. अगर किसी और कंडीशन पे आपको डिफाइन करना है, है ना, ईएमएफ सेल का, मान लो कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर बदल गया है, तो हम नॉस्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है. नॉस्ट इक्वेशन में आप एक्सप्रेशन लिखो, ईएमएफ सेल का होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आरटी बाय एनएफ, ठीक है, इनटू लॉग क्यूसी. क्यूसी क्या है आपका, यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन है, रिएक्शन क्वेश्चन जो आप वहां लिखते थे इक्विलिब्रियम में, कैसे, अगर एक्वस है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है. जब हम ये लिखते हैं तो हम सिर्फ एक्वस को और गैसेस को कंसिडर करते हैं, सॉलिड्स को या लिक्विड्स को हम एक्सप्रेशन में नहीं काउंट करते, गैसेस के लिए प्रेशर लिया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इन एक्सप्रेशन की 2.303 आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज कर लूं, टेम्परेचर अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस ले लूं, है ना, आर की मैंने 8.314 डाल दिया, एफ की मैंने 96500 कूलम डाल दिया, अगर मैं ये एक्सप्रेशन की वैल्यू डालती हूँ तो सिंप्लीफाई हो जाता है, ईएमएफ ऑफ सेल बनता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.05 बाय एन लॉग क्यूसी, ठीक है. इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं, देखो लॉग ऑफ क्यूसी में क्या ये लिखा जाएगा, सॉलिड नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ एक्वस, एक्स की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या ये लिखा जाएगा, जी हाँ, ए की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉरी रेस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये क्या है, बी गैस है, तो बी के लिए आप प्रेशर ले लो इसका, है ना, प्रेशर ऑफ बी रेस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज बी, लिख लो गाइस, है ना, गैस है. चलिए तो ये उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है भाई, आसान है इस रिएक्शन के लिए, 0.0591 करके लिख लो इसे, 0.06 यूज कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो 0.059 लेना पड़ेगा, 0.059159 इज लाइक 6, ठीक है, आगे चले. चलिए तो अब क्या है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेगा तो इक्विलिब्रियम पे भाई ध्यान रखना, जो ईएमएफ है ना सेल का वो जीरो हो जाता है, ई सेल आपका जीरो हो जाएगा. और अगर आपका जो भी ये क्या लिखा है, उसने रिएक्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबको एक्वस मान के, ए बी एक्स वाई को एक्वस मान के रिएक्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है. तो जो भी आपका रिएक्शन क्वेश्चन है ये सारा इक्विलिब्रियम पे, ये जब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो ये वाली दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ईएमएफ सेल का जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये जो आपका क्यूसी होता है वो केसी के बराबर हो जाता है ना, रिएक्शन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बराबर होता है. तो हम रिएक्शन को ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल बराबर होगा
0.0591/n × log Kc. n क्या है, वही इलेक्ट्रॉन्स जो आपके नेट सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जो भी आपको रिएक्शन दे रखी होगी। चलिए तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसको ध्यान रखना, और यहीं से डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो। देखो डेल्टा जी नॉट होता है -NF E0 of cell, तो अगर मैं E0 of cell की वैल्यू डाल दूं, कौन सी इक्विलिब्रियम पे जो थी, है ना, वो क्या थी, ये वाली, मतलब अगर हम यहां से ये वाली इक्वेशन से वैल्यू डालते हैं, राइट, तो वो क्या बनेगा, इधर E0 of cell 2. इक्विलिब्रियम वाली बोल रही हूँ मैं, जैसे आपने ये निकाली E0 of cell, ये वाली वैल्यू मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इसको मैं 2.303 मतलब अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रही हूँ, ऐसे 2.303 RT/NF ऐसे लिखा है मैंने ये, ठीक है, कौन सी है ये, इक्विलिब्रियम जहां पे अचीव हो गया था उसके लिए मैंने E0 of cell लिखा है। भाई घबरा तो नहीं गई, ये इसी की फॉर्म है, जस्ट ये आपने इसमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू डाली हुई है, मैंने बिना वैल्यू डाली हुई फॉर्म लिखी है ताकि ये इसका एमएफ एमएफ कैंसिल हो जाए, और आप देख पाओ डेल्टा जी नॉट का फाइनल एक्सप्रेशन आता है -2.303 RT log Kequilibrium, ठीक है। कब है भाई ये, जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसकी हमने बात की है, है ना, जब आपका ईएमएफ सेल का जीरो है, तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा, -2.303 RT log Equilibrium constant, ठीक है। हाँ ये वाली चीज देखो, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में आपको दिखेंगे ये सेल होंगे जिनमें मटेरियल जो प्रेजेंट है वो तो सेम होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर जो होगा वो अलग होगा। अब जाहिर सी बात है ईएमएफ डेवलप होना है, कुछ तो अलग होगा, है ना, तो दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल का भाई जीरो होगा, ई नॉट सेल का क्या होता है, जीरो होता है, राइट, क्यों क्यों जीरो है, क्योंकि सारी कंडीशन तो सेम है, मटेरियल भी सेम है ना, सब कुछ सेम कर दिया, तो ई नॉट सेल सेम होगा, ठीक है, हाँ मतलब जीरो होगा, सॉरी, राइट, क्योंकि सब सारी कंडीशन सेम ले ली। दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन सेल्स दिखेंगे आपको, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा भाई, एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन देखो इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग है, कैथोड और एनोड पे, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है ना, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग है। इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, चलिए देखो जरा, इसके लिए अगर हम लिखते हैं ई सेल, E नॉट ऑफ सेल तो जीरो हो गया, -0.06/n, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, दो का होगा, है ना, इनटू लॉग ऑफ जो भी आपके प्रोडक्ट की साइड में आयोन्स होंगे, तो आपको पता है ये होगा, है ना, C1, और जो आपके रिएक्टेंट साइड होंगे ये होगा C2, सॉलिड को तो कंसिडर नहीं करते हैं, राइट, इधर एन की वैल्यू दो है, आप डाल लेना एन यहाँ पे दो है इस सेल के लिए जो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस नेगेटिव को पॉजिटिव में लिखना चाहूँ तो मैं लॉग के फंक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा ना, रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ईएमएफ सेल का बनेगा 0.06/n, है ना, इंटू लॉग ऑफ C2/C1, सही बात है, ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब देखो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बताना चाहती हूँ। अगर आपका सेल स्पॉन्टेनियस हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए भाई, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मुझे स्पॉन्टेनियस कंडीशन चाहिए तो ईएमएफ सेल का भाई पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, है ना, ईएमएफ सेल का पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो कब होगा भाई पॉजिटिव, बताओ कब होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा जब C2 > C1 होगा, है ना, जब ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव आएगा। ये कब आएगा, अगर C2 की कॉन्सेंट्रेशन C1 से ज्यादा होगी, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी कैथोड पे है वो एनोड की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए, तो आपका ये सेल स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस सेल वर्किंग के लिए C2 C1 से बड़ा होना चाहिए इस कॉन्सेंट्रेशन सेल में, है ना, अगर पूछेगा तो बता देना। ऐसे ही ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, यहाँ देखो प्रेशर अलग है, कॉन्सेंट्रेशन H+ ion की इलेक्ट्रोलाइट की सेम है, प्रेशर अलग है, तो इसके लिए लिखो ईएमएफ सेल इज ई नॉट सेल, आपका वो हो चुका है जीरो, है ना, ओके, -0.06/n लॉग ऑफ जो भी आपके पास आएंगे प्रोडक्ट की साइड, है ना, सो H+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट में आपकी हाइड्रोजन गैस आएगी P2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में आपका ये होगा, है ना, P1, ऐसे लिख सकते हो ना आप जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मैं इसको भी उसमें फॉर्म में लिख लूं रेसिप्रोकेट करके, अगर ये प्लस बन गया तो ये P1/P2 हो जाएगा, लिख लूं मैं ऐसे,
ये पॉजिटिव होगा अगर ये लाइक शुरू में हमने क्या किया था, यस P1 by P2 by P1 था ना, वो आपने P2 by P1 किया था, मैं P1 by P2 कर रही हूं, ठीक है। तो यहां पे भी देखो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या है, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन ये है ईएमएफ सेल का पॉजिटिव हो वो कब होगा, जब P1 P2 से ज्यादा होगा, सही बात है ना भाई। मतलब यहाँ पे एनोड पे जो आपने प्रेशर लिया है ना, वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द कैथोड। देख लो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन, स्पॉन्टेनियस सेल वर्किंग के लिए P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, है ना। किसी भी सेल के लिए लिख सकते हो ना भाई, ऐसे लिख लोगे आप, इंटेलिजेंट हो, राइट। ये चीज देखो एक बार, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको याद नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको समझना है ना, डेटा रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये IUPAC ने वैल्यूज दी है किसके रेफरेंस में भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड दोनों ही क्या है, जीरो है, है ना। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, है ना। इसके रिस्पेक्ट में इसको एज ए कंपेरेटिव स्केल यूज करके हमने बाकी सारे एलिमेंट्स का निकाला है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दो, जैसे देखो अगर इस सीरीज में, अब ये NCERT वाली सीरीज है, आपको रटनी नहीं है सीरीज, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग सीरीज होती है, आपको इसका एप्लीकेशन समझना है, ठीक है। इसको रीड करना आना चाहिए कि क्या कहाँ पे क्या नेचर हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। तो अगर आप देखो ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ऊपर से नीचे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भाई डिक्रीज हो रही है, हो रही है, ध्यान देना प्लीज। बिल्कुल यहाँ देखो फ्लोरीन में +2.8 थी, यहाँ -3.0 हो गई, है ना। तो यानी ऊपर से नीचे जब मैं यहाँ पे गई फ्लोरीन से लिथियम की तरफ, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम हो गई, मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड कम हो गई, है ना, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड कम हो गई है। यानी दूसरे को लग, अगर आप इसको समझो, देखो ध्यान से समझो, जैसे ही आप डेल्टा इनोड आर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो भी इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ रही होगी, ऐसे समझ लो। देखो ये -3.05 इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या होगा, +3.0 होगा, है ना। तो आप ऐसे बोल लो कि ऊपर से नीचे जाने पे जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है ना, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो वो चीज है, जितनी ज्यादा आप देखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, देख लो, है ना। मतलब E नॉट मोर नेगेटिव मतलब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्या मैं बोल लू ऐसे, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, है ना, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो किसी भी फॉर्म में रीड कर लो इसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन में समझ लो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, बात वही आएगी, ठीक है। या आप ऐसे रीड करो, देखो ई नॉट जितना ज्यादा पॉजिटिव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ये बात मैं बोल लू, देख लो इसको, यस, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, मतलब जितनी बड़ी उसकी वैल्यू होगी भाई उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड हाई है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बहुत हाई है ना, मतलब इट वुड बी अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। पहले भी ये बातें मैम ने आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले विदाउट द सीरीज, तो सीरीज का रट्टा नहीं लगाना, ऐसे सवालों का जवाब देना आना चाहिए। जैसे बोल रहा है कुछ आपको रिएक्शंस दिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर बता दो किस ऑर्डर में इंक्रीज करेगी, जल्दी सी कॉमेंट सेक्शन, देखो हायर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो पूछ रहा है भाई, कौन बढ़िया है, तो आपको पता है जिसकी जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा, किसका सबसे ज्यादा है, इसका दिख रहा है ना, उतना जल्दी वो रिड्यूस हो रहा चाहेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, सही बात है। आंसर दे दो जल्दी सी, सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, फिर उस ऑर्डर में लगा लो, देन यू आर हैविंग लेड, फिर सीरियम और फिर बिस्मथ, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पे चलते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस है ना, जिसमें आपका लाइक
एक ही टैंक के अंदर अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ हो रहा है, केमिकल डीकम्पोजिशन हो रहा है किसी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, बचपन से कर रहे हो आप। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आते हैं ना, वो प्रोडक्ट पूछता है कि भाई इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है तो कैथोड एनोड पे क्या बनेगा। यहाँ पे साइन देखो, एक्सटर्नल वोल्टेज है, जहां पे आपका जो भी नेगेटिव टर्मिनल है ना बैटरी से कनेक्टेड, वो कैथोड होगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। जो पॉजिटिव और बैटरी से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव एनोड होगा, राइट। चलिए तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस आपने मोल्टन NaCl, मोल्टन को फ्यूज्ड भी लिख सकते हैं वो, है ना, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम और क्लोराइड आयन्स आ जाएंगे। क्या कोई और कंपटीशन है? नहीं, Na प्लस है और Cl नेगेटिव है, है ना, तो एक ही पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव आयन है। तो आपको पता है एनोड जो आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये एनोड है, नेगेटिव वाला कैथोड है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन हमेशा, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हमेशा भाई रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एनोड पे कौन सा आयन अट्रैक्ट होएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन्स एनोड पर जाएंगे, है ना, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्लोरीन गैस लिबरेट होएगी। बैलेंस भी कर सकते हैं, दो क्लोराइड आयन दो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब क्लोरीन गैस का लिबरेशन कहाँ हुआ भाई? यहाँ पे बबल्स ऑफ क्लोरीन गैस आपको एनोड पर मिलेगी, ठीक है, एनोड पर मिलेगी, राइट। अब क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पे आपका जाएगा सोडियम आयन, है ना, सोडियम जाएगा कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल की तरह डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, है ना, सोडियम मेटल आपका कहाँ पे डिपॉजिट हुआ है? कैथोड पे, इधर, ठीक है। और जो आपका क्लोरीन गैस था वो कहाँ लिबरेट हुआ है भाई? एनोड पे, है ना। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे? हमने इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, प्लैटिनम ग्रेफाइट आप यूज कर सकते हो, इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स थे, नॉन रिएक्टिव, है ना। तो ये कर लोगे सिंपल प्रोडक्ट। हाँ, नेट सेल रिएक्शन लिखने से पहले बैलेंस करना पड़ता है, अगर इसके लिए नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहते हो बैलेंस करना पड़ेगा इसको दो से पहले, ठीक है, चलिए इसको दो से करना पड़ता है। चलिए सो ये हो गए प्रोडक्ट देखने हमें, राइट। अब देखो अगर एक्वस NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, एक्वस मतलब भाई पानी आ गया यहाँ पे, अब कंपटीशन है, है ना, अब PDT यूज होएगा, यानी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि NaCl सॉल्यूशन से सोडियम आयन आ गए क्लोराइड, पानी से H+ आ गया, OH आ गया, अब क्या करें, है ना, अब क्या करें भाई? देखो कैटायन के लिए तो आसान है, वो आयन माइग्रेट करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या बोला मैम ने? मैम ने ये बोला जिस भी कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा, वो आयन माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो Na+ H+ में से किसका ज्यादा था, सोचो H+ का, है ना, उसकी ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था तो उसकी टेंडेंसी माइग्रेट करने की ज्यादा होगी, राइट। तो अगर आप रिएक्शन यहाँ पर लिखना चाहो, कैटायन है कहाँ पर जाएगा भाई? कैथोड पे जाएगा, है ना, कैथोड पे जाएगा। तो अगर आप कैथोड की रिएक्शन लिखो जो कि नेगेटिवली चार्ज रॉड है यहाँ पर, तो H+ जाएगा वहां, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, है ना, दो H+ आयन दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो बैलेंसिंग कर लेंगे हम, राइट। तो यहाँ पे समझो एक चीज आप, अब एनायंस में क्या होगा मैम? एनायंस में क्या होने वाला है, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी कहाँ निकली भाई? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो चुका है। अब एनायंस में ना आप मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से नहीं देखते, एक सीरीज याद रखते हैं हम, ईज ऑफ माइग्रेशन को याद रखो, ऑर्डर को। ईज ऑफ माइग्रेशन क्या है यहाँ पर? सल्फेट सबसे कम, फिर नाइट्रेट, ठीक है, फिर हाइड्रोक्साइड, इन तीनों में कर लोगे? यस, सिंपल है, ओके। फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, भाई इसको ध्यान रखना, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, तो ये आपका ईज है माइग्रेशन का। तो यहाँ पे देखो कौन माइग्रेट करेगा, अगर मुझे एनोड के लिए लिखना है, कैथोड के लिए हम लिख चुके हैं
एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कौन सा आयन जाएगा? अब देखो क्लोराइड OH नेगेटिव में क्लोराइड की टेंडेंसी ज्यादा है, ये Cl नेगेटिव है ना, तो Cl नेगेटिव जाएगा एनोड पे, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा, सही बात है, दो Cl नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है एक्चुअली हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है कैथोड पर, और आपकी जो क्लोरीन गैस है उसका लिबरेशन हुआ है एनोड पर, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या टैंक में कैसा मीडियम रह जाएगा, देखो जो सोडियम आयन रह गए है ना, जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया OH आयन्स, वो मिलके बेसिक सॉल्यूशन यील्ड करेंगे NaOH। क्लोर एल्कली प्रोसेस याद है आपको भाई, वही तो है ये, क्लोर एल्कली प्रोसेस ही तो है ये, कक्षा 10 में किया था आपने, मैम हम तो भूल चुके हैं सारी बातें, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस बेसिक होगा, ठीक है। तो अब इनका जल्दी से आंसर दे दो कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर दे दो। देखो एक्वस कॉपर सल्फेट का इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ कर रहे हो, है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ हम कर रहे हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट है, कॉपर आयन होंगे H+ होंगे पॉजिटिव में, और OH आयन होंगे सल्फेट होंगे, यहां से तो OH जाएगा है ना, वह जाके ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, कहां पर जाएगा एनोड पे, ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। ये कॉपर H+ में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, इनोड R किसका ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, ठीक है, कॉपर आयन जाके कॉपर की तरह डिपॉजिट होगा कैथोड में, सही बात है भाई, देख लो जरा, कॉपर कैथोड पर मिलेगा, ऑक्सीजन एनोड पर, ठीक है। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन से आयन है, देखो सिल्वर आयन है H+ है, यस सिल्वर आयन है H+ है, जल्दी से सोच कर बताओ भाई, सिल्वर सिल्वर बोलेगा, मुझे जाने दे कैथोड पे, मैं इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल डिपॉजिट करूंगा, एंड अगर एनायंस का कंपैरिजन करो नाइट्रेट है और OH है, यस OH जीतेगा है ना, ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस देगा, सही है भाई, ऑक्सीजन गैस, अपने आंसर मैच कर लो जल्दी से एनोड पे, ठीक है। ये देखो एक्वस कॉपर सल्फेट कॉपर ही इलेक्ट्रोड के साथ, तो ये आपका रिफाइनिंग में यूज होता है, प्योरिफिकेशन में यूज होती है ये वाली चीजें, है ना। तो इधर हमने क्या करना होता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, और ये कॉपर आयन्स इलेक्ट्रोलाइट में जाके फिर कैथोड पर जाते हैं, तो कैथोड पर भी आपको कॉपर डिपॉजिटेड मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है, राइट फिर देखो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ, इसका तो दे दो भाई आंसर सोच के, एच प्लस आयन्स में तो पॉजिटिव आयन में कोई कंपटीशन नहीं है, है ना, एच प्लस जाएगा कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होएगी, सही बात है, एनोड पर। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पर अगर आप माइग्रेटरी ऑर्डर देखते हो जो मैम ने आपको लिखवाया था, उसके हिसाब से सल्फेट और OH आयन में OH को जाना चाहिए, बट हुआ क्या ना, आपने कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा ना, सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और वो जीत जाएगा, तो सल्फेट आयन पहुंच जाते हैं एनोड पर, ठीक है, डाई एनायन ऑफ मार्शल एसिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, डाई एनायन ऑफ मार्शल एसिड, ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन हो पाती है, ठीक है, कर लोगे इसे, यस बैलेंस कर लेना भाई, दो नेगेटिव दो रह गए, दो यहां से आएंगे, ठीक है। ये देखो ये अच्छा है लास्ट वाला, इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सोडियम फ्लोराइड की मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड्स के साथ, है ना, मर्क्यूरी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो कॉम्पिटिशन एच प्लस है OH आयन। अब यहाँ एनायंस में तो कोई तकलीफ नहीं होती, एनायन में क्लोराइड जीत जाता है, क्लोरीन गैस निकल जाती है आपके पास, ठीक है, क्लोरीन गैस जाएगी कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है, जो आपका कैथोड है उधर, अब यहाँ पे जाना चाहिए था किसको, H+ को जाना चाहिए था, H+ को हाइड्रोजन रिलीज करनी थी, बट होता क्या है सोडियम आयन चला जाता है कैथोड पे, क्योंकि वहां पे उसको वो क्या करता है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है, वो सोडियम मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के साथ मिलके अमालगम बनाता है, सोडियम अमालगम बनाता है, तो इस अमालगम फॉर्मेशन की वजह से H+ को मिल जाता है धोखा, क्या मिलता है भाई, H+ को मिलता है धोखा, तो वो नहीं जा पाता, सो वी वुड बी हैविंग द सोडियम अमालगम, सही बात है, सही बात है, चलिए
तो ये हो गए प्रोडक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट देखो, अब फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे ने क्या बोला फर्स्ट लॉ में, कहते हैं कि जो भी अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट होगी या वेट जो है सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसी इलेक्ट्रॉन पे, वो जितना आपने चार्ज पास किया होगा इलेक्ट्रोलाइट से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, केमिकल इक्विवेलेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। Z क्या है? केमिकल इक्विवेलेंस। लिखना है तो लिख लो, केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। ओके चलिए, अब देखो Q आपको पता है IT के बराबर होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख लूं, Z इंटू करंट इंटू टाइम, है ना। कई एक्सप्रेशन की फॉर्म में देखने को मिल सकता है, राइट। सो केमिकली मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस लिख लो भाई इसको, तुम पूरा लिख लो, तुम घबराए मत करो। अरे मैम ये नई टर्म कहां से आ गई, किसके बराबर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जल्दी बताओ। इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय व्हाट? यस भाई, इक्विवेलेंट वेट पर फैराडे ही जेड होता है। जेड क्या होता है जानते हो? इक्विवेलेंट वेट पर फैराडे, वही फैराडे, चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही है 9650 कूलम, ठीक है। तो लिख दूं W किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे इनटू IT को Q ही लिख लो, अभी Q फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है, इनटू Q बाय F। तो ये देखो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स बनेगा मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर क्यू बाय एफ। इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टर यहाँ पे तो निकाल ही लोगे आप, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, ठीक है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, ठीक है। चलिए छोटे इजी क्वेश्चंस होंगे, कर पाओगे, डीपीपी में क्वेश्चंस अटैच्ड है। फिर आता है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी आसान है। ये यही बोलता है कि भाई देखो, जब भी आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के थ्रू जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो भी उनके ग्राम इक्विवेलेंस होंगे ना वो सेम होंगे, जो भी उनका वेट डिपॉजिट होगा है ना वो रेशियो में होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के, या बोलो उनके ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड भी सेम होंगे। दिस इज अ शॉर्ट वे टू कॉल इट, है ना। तो यानी W जो भी मास सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है W1 डिवाइड बाय W2, है ना, किस रेशियो में है, उसके इक्विवेलेंट मास की रेशियो में, है ना। इक्विवेलेंट मास को हम लिख सकते हैं मोलर मास बाय एन फैक्टर, है ना, उस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल जाता है। बहुत सीधे क्वेश्चन होते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल नहीं घुमाता है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट ही होते हैं यहाँ से, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये टर्म्स देख लो, छोटी छोटी यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बस खत्म होने वाला है फिर चैप्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? रो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस लेंथ अपॉन एरिया के, है ना। एल क्या आपका सेपरेशन जो भी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा, और जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, सब कुछ लिख दिया है आपके लिए, नोट्स में सब मिलेगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं रो को, यूनिट इसकी ओम होती है ना, सिंपल सी बात है, आप जानते हो, राइट। अब देखो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी से यहां से इसी एक्सप्रेशन से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल लो, आर ए बाय एल, ठीक है, सिंपल है। यूनिट बता दो जल्दी इसकी भाई, ओम सेंटीमीटर हो जाएगी ना, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, यस, इजी है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, आपके रेजिस्टेंस का उल्टा है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी है जो भी लाइक यू नो फेवर करेगी फ्लो ऑफ द करंट, यानी रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा। तो जी से इसको डिनोट करते हैं 1/R, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होगी इसकी, मो ओम इनवर्स या साइमंस, ठीक है, किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। ओके द नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी, काप्पा से हम इसे डिनोट करते हैं। देखो बहुत सीधे न्यूमेरिकल होते हैं, यहाँ से डेफिनेशंस की में जाने की जरूरत नहीं है इस पार्ट की, राइट। ये रेसिप्रोकल होता है आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, यानी रो का रेसिप्रोकल है ये, है ना, वो क्या थी, आर ए बाय एल, देखो आर ए बाय एल था, ये रहा रो, आर ए बाय एल था ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो एल बाय आर ए, है ना, ये आपका काप्पा आ गया, ठीक है। यूनिट जल्दी निकालो, जल्दी से यूनिट निकालो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन
सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सही है भाई, सही है। चलिए सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज योर सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट है आपका, जिसको आप सिग्मा या जी स्टार से भी डिनोट करते हो, ठीक है। ये रेसिप्रोकल, एक मिनट यहाँ देखो जरा, ये रेसिप्रोकल आया था आपका, क्या था ये, कापा, कंडक्टिविटी था, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। इस कापा के एक्सप्रेशन में अगर आप देखो एल बाय ए, एल बाय ए उठाओ, यही एल बाय ए आपका क्या होता है भाई, सेल कॉन्स्टेंट। देखो जरा कापा के एक्सप्रेशन में ये जो एल बाय ए है ना, यही आपका सेल कॉन्स्टेंट होता है। ओके, तो इसने उसको ऐसे ही लिखा हुआ है, यही एक्सप्रेशन से निकालू मैं, देखो कापा इज इक्वल टू वन बाय आर इंटू एल बाय ए। वन बाय आर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कंडक्टेंस है ना, तो कापा क्या होगा भाई, इसको कंडक्टेंस लिख लू जी, इसे है ना रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। एल बाय ए ही आपका क्या है, सेल कॉन्स्टेंट। जी स्टार ले लो कि सिग्मा ले लो, सही बात है, यस। So, ये देखो सिंपल एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जितने भी लाइक यू नो कंडक्टिविटी आप सारे आयोन्स की जो आ रहे होंगे एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से, है ना, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो मैंने यहाँ पे यूनिट के साथ ही लाइक यू नो अगर आप मोलारिटी मोल पर लीटर में लोगे उस फॉर्म में ही मैंने इसको पुट कर दिया है ना, मोल पर लीटर में आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है भाई, सही है। तो मोलर कंडक्टिविटी की जल्दी से यूनिट बता दो, यस, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक्सप्रेशन में से भी निकाल सकते हो, 1000 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे इस फॉर्मूला में, तो इसमें आप डायरेक्ट ले सकते हो अपनी वैल्यूज, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, इक्विवेलेंट देखें, यस, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइन करी जाएगी, सेम है एक मोल आयोन से जो भी है ना, मतलब सॉरी वहां पे एक मोल था मोलर में, यहाँ एक ग्राम इक्विवेलेंट होगा। देखो बस क्या चेंज हुआ, ये एक मोल के लिए हम बात कर रहे थे है ना मोलर कंडक्टिविटी में, यहाँ पे हम एक ग्राम इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना, जितनी टोटल कंडक्टिविटी आ रही होगी वहां से, राइट। इसमें नीचे नॉर्मैलिटी आ जाएगा, यूनिट इसकी लिखी हुई है, राइट, जैसे वहां पे मोल इनवर्स था यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स है, सही बात है भाई। चलिए नॉर्मैलिटी और मोलारिटी का रिलेशन जानते हो एन फैक्टर से, है ना, इसको भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो लाइक जो भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर के भी बराबर होगी। कैसे निकाला है, इस एक्सप्रेशन में नॉर्मैलिटी की वैल्यू लिख दो, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बन जाएगी वहां से, तो मैं वो एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ, सही बात है, सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं। देखो डाइल्यूशन का इफेक्ट अगर आप बात करते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे, कापा पे, तो ये डिक्रीज करता है, ध्यान रखना, क्यों बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ आयोन्स आपकी डिक्रीज हो जाएंगे पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप बात करते हो, क्योंकि देखो जो आपका कापा है ना ये ध्यान में रखता था जो भी आपका लेंथ था, है ना, बीच में मतलब जो एरिया ऑफ सेपरेशन कितना था इलेक्ट्रॉड्स के बीच में, या लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉड्स, वो एरिया ऑफ सेपरेशन पे भी ये डिपेंड कर रहा था। तो अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयोन्स पर यूनिट वॉल्यूम आप बोल सकते हो डिक्रीज हो जाएंगे, है ना, तो इसीलिए जो कापा है वो डिक्रीज करता है। बट अगर आप मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करोगे तो वो भाई इंक्रीज करेंगे हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयोन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो इंक्रीज करेंगे, है ना, उसमें इतना ज्यादा लाइक यू नो वन मोल इतनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, एरिया का इम्पैक्ट ही नहीं होता वहां पर, ठीक है। तो जो भी आपका मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है डाइल्यूशन से इंक्रीज होगा, ठीक है, आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। चलिए तो ये देखो, ये एक इक्वेशन है जो आपको वेरिएशन देता है मोलर कंडक्टिविटी का विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन होती है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइन की गई है, राइट। इसमें आपको क्या देखना है मेजरली, अगर आप ग्राफ को रीड करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, देखना भाई ये जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे दिख रही है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, है ना, क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो
वन के बराबर होता है, मतलब वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर आप ग्राफ को ऐसे रीड करो, हम क्या बात कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं डाइल्यूशन की। यहाँ पे देखो ये मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन सी पे है ना, और ये मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब की इनफाइनाइट डाइल्यूशन से आप क्या समझते हो, जो आपका सी होगा कॉन्सेंट्रेशन टेंड करेगा जीरो पे, वॉल्यूम टेंड करेगा भाई इंफिनिटी पे, है ना। कॉन्सेंट्रेशन टेंड करेगा किस पे, जीरो पे, वॉल्यूम टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, है ना। मतलब ये आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है या एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो अगर आप यहाँ पे इसको रीड करते हो ना, कि जैसे जैसे देखो इधर हम मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और आपकी मोलर कंडक्टिविटी देखो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अल्फा टूटता जा रहा है ना, ज्यादा आयोन्स मिल रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना, अगर आप ग्राफ को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दो, यहाँ पे आप मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे निकाल सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भाई इनकी निकाल सकते हैं हम, किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, है ना। नॉट से दिखा लो इसको सिंपल, क्योंकि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला ग्राफ देखो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, है ना। इसका अल्फा हमेशा एक से कम होता है, कभी कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे ही नहीं। तो जैसे जैसे आप देखोगे ना, कॉन्सेंट्रेशन आपने कम करी, मतलब डाइल्यूशन किया, बढ़ी मोलर कंडक्टिविटी, बट एक पॉइंट पे इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन यहाँ पे टच नहीं की, मतलब आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वैल्यू इसकी नहीं मिली है। उसका रीजन सिंपल होता है, क्योंकि इतने सारे, एक पॉइंट ये पूरा तो डिसोसिएट करेगा नहीं, एक पॉइंट के बाद इतने सारे आयोन्स हो जाते हैं कि एकदम से मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बट हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाते हैं यहाँ से ग्राफ से। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया कॉल्ड्रॉश लॉ, है ना। इन्होंने बताया कि भाई मैं बताता हूँ, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रपोज किया था, बट अब अप्लाई सब पे होता है, ठीक है। उन्होंने बोला इनफाइनाइट डिल्यूशन पे अगर आपको निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, स्पेशली लाइक वीक के रिस्पेक्ट में आया था, वो बराबर होगी सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। ऐसे ही इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, इक्विवेलेंट लिखा है, बट इक्विवेलेंट में हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताती हूँ, ध्यान देना प्लीज, जैसे रिएक्शन है इसके लिए हम मोलर की टर्म्स में लिख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो भी केटायन की मोलर कंडक्टिविटी है प्लस एनायन की है उसके बराबर होगा, है ना। मोलर कंडक्टिविटी में आपको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लेने पड़ते हैं साथ में, बट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेते हैं इसके एक्सप्रेशन में, है ना। मोलर कंडक्टिविटी में हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, कर लोगे जो भी उनकी आयनिक कंडक्टिविटीज है आयोन्स की, है ना, आयोन्स की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसको जोड़ दो तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट की भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए सो इसके एक बार एप्लीकेशन देखो भाई, एप्लीकेशन होगा हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जैसे मान लो आपको निकालनी है एसिटिक एसिड के लिए, तो आप क्या करोगे, एसिटिक एसिड के लिए इस डेटा से निकालनी है। तो मुझे देखो ये एसिटेट आयोन चाहिए और H प्लस आयोन चाहिए, तो एसिटेट यहाँ से है, H प्लस यहाँ से है, तो इन दोनों को तो मैं ऐड कर दूं, HCl और सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ऐड कर दूं, बट मुझे घटाने पड़ेंगे, ये नहीं चाहिए मुझे, और मुझे क्या नहीं चाहिए, क्लोराइड आयोन नहीं चाहिए, तो इसके लिए NaCl वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस NaCl की, कर लोगे, आसान है ना। तो एक इसका एप्लीकेशन एरिया ये होता है, ठीक है। फिर दूसरा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, यानी कि अल्फा। सो अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालोगे, मोलर कंडक्टेंस जो भी उनकी कंडक्टिविटी सी कॉन्सेंट्रेशन पे होगी डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, ठीक है, ईजी है ये। चलिए फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हो, है ना, ए प्लस बी नेगेटिव में, सी में से कुछ सी अल्फा टूटा, ये सी अल्फा बने, राइट। तो इस सी पे आप लगा दो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो, है ना। सो वही प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक है, तो यहां से आपका एक्सप्रेशन बनेगा सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, ठीक है, आसान है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया इसमें। चलिए ये है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, जैसे अगर आप सिल्वर क्लोराइड लो, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे बेरियम सल्फेट लो, है ना,
कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होते हैं ये, तो इनके लिए हम यहाँ से सॉल्यूबिलिटी निकालते हैं. पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूबिलिटी निकालते हैं इसकी हेल्प से, कापा और मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से. ठीक है, एक बार सॉल्यूबिलिटी आ गई तो आप सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो. याद है सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, वही इक्विलिब्रियम में किया था ना, एक्स एक्स रेज टू पावर वाई वाई. याद आया कुछ, याद करो भाई, सॉल्यूबिलिटी एक्स प्लस वाई. इक्विलिब्रियम में किया है ना, करेंगे हम इक्विलिब्रियम, डोंट वरी. ठीक है, वहां पे करते हैं हम. तो पहले एस निकाल लो, फिर अपनी सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लो. भाई इसमें से क्वेश्चन पूछता है इक्विलिब्रियम में भी. ठीक है, चलिए इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एंड यस, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना चैप्टर हमेशा अधूरा होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डीपीपी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दे दी है आपको. जिस बच्चे ने ईमानदारी से ये एक घंटे का सेशन अटेंड किया है, थोड़ा एक्सीडी बेशक हो जाए, वो आंसर देगा कमेंट सेक्शन में. तो प्लीज मेरा कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा सारे क्वेश्चंस का, ताकि अगली बार मैम आपको इसके 3 times ज्यादा क्वेश्चंस दे पाए, है ना. और यस, मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी करें चैनल पे. थैंक यू सो मच शिल्पी मैम, मिलेंगी नेक्स्ट टाइम आपसे विद अनदर चैप्टर वन शॉर्ट सेशन. सो थैंक यू सो मच माई किटायंस, एंड प्लीज आंसर जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में. ठीक है, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट रिवाइज होगा. ओके, चलिए, दिस इज मी साइनिंग ऑफ फॉर द डे. बाय, टेक केयर.